नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति, MRTP एक्ट और फेरा एंड फेमा एक्ट के बारे में। तो नई औद्योगिक नीति स्वतंत्रता के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को हुई। 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। इसको केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये औद्योगिक नीति तैयार की गई या पेश की गई। नीचे है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करने वाली इस औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश को मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी की नींव रखी गई। बाद में समाजवादी ढंग से समाज यानी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना के उद्देश्य में 1948 की औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 को की गई। 30 अप्रैल 1956 को की गई दूसरी औद्योगिक नीति। इसमें पहले में व्यापक परिवर्तन करते हुए बाद में समय समय पर नई औद्योगिक नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाती रही, किंतु इन सब का आधार 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ही रहा। इनका सबका क्या रहा आधार? 1956 की औद्योगिक नीति ही रहा। 30 जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने यानी पीवी नरसिंह राव सरकार द्वारा सत्ता ग्रहण करने के बाद देश की आर्थिक नीतियों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुई और 24 जुलाई 1991 नई औद्योगिक नीति लाई गई को सरकार द्वारा औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की गई। इस नई औद्योगिक नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त किया गया। इन उद्योगों में 18 उद्योगों को छोड़कर सभी को लाइसेंस से मुक्त किया गया। बाद में 13 उद्योग कर दिए। उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त किया गया। मार्च 2013 तक लाइसेंस की आवश्यकता से युक्त उद्योगों की संख्या मात्र 5 रह गई कि 5 उद्योगों में ही लाइसेंस अनिवार्य है। नई औद्योगिक नीति में एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम जिसको MRTP एक्ट कहते हैं के अंतर्गत पूंजी सीमा समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न उद्योगों के लिए विदेशी निवेश की सीमा को सरल बना दिया गया। इन उद्योगों के अतिरिक्त गैर पूंजीगत कंपनियों यानी अनलिस्टेड कंपनीज में विदेशी संस्थागत निवेशक FII फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन एक कंपनी की पूंजी में 10% तक और पूर्व में कितनी थी 5% तक निवेश कर सकते हैं। सरकार ने जुलाई 1991 के बाद से औद्योगिक नीति के तहत जो कदम उठाए उनका उद्देश्य है देश की पिछली औद्योगिक उपलब्धियों को मजबूत करना है और भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की प्रक्रिया को गति देना है। 1991 की औद्योगिक नीति इन कदमों के
यानी इन कदमों में व्यापार व्यवस्थाओं के व्यापक उपयोग तथा विदेशी निवेशकर्ताओं और टेक्नोलॉजी के आपूर्तिकर्ताओं के साथ गतिशील संबंध बनाने के लिए या गतिशील बनाने के जरिए घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये थी हमारी नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई जो 1991 में थी। इसके प्रमुख प्रमुख आवश्यक तत्व है कौन कौन से थे? लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना ये, और अब है एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का मतलब है, एम का मतलब मोनोपलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव, मोनोपलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी एमआरटीपी एक्ट 1969, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969। भारत में उद्योगों में एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने का एक ही कानून है एमआरटीपी एक्ट। क्या है? भारत में उद्योगों में एकाधिकारी प्रवृत्ति को रोकने का एक कानून है, और इस कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियंत्रण रखना एवं प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यापार की रोकथाम करना, प्रतिबंधात्मक एवं अनुचित व्यापार की रोकथाम करना। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात उन समस्त फर्मों को जिनकी परिसंपत्तियां एक निश्चित मात्रा यानी सन 1985 से 100 करोड़ रुपए से अधिक थी 1985 से, तथा जिन्हें एमआरटीपी फर्मों के रूप में वर्गीकृत किया गया था को केवल कुछ चुनिंदा उद्योगों में ही प्रवेश करने की स्वीकृति, वह भी अलग अलग मामलों में अलग अलग अनुमति के आधार पर ही थी। औद्योगिक लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रण रखने के अतिरिक्त किसी भी मामले में निवेश संबंधी प्रस्ताव के लिए इन बड़ी फर्मों को अलग अनुमति लेनी पड़ती थी। इससे बहुत सी बड़ी निजी फर्मों के विकास और विस्तार संबंधी योजनाओं के संबंध में उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा था। वर्तमान में एमआरटीपी एक्ट के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2003 लागू किया जा चुका है। एमआरटीपी मोनोपलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस साइज एक्ट 1969। और इसके स्थान पर वर्तमान में क्या हो लागू है? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2003 ये लागू किया जा चुका है। ये था हमारा एमआरटीपी एक्ट 1969। और अब इसके बाद है हेरा एंड एमआई एक्ट क्या है? तो 1973 में फॉरेन एक्सचेंज, हेरा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हेरा, यह 1973 में बना था। विदेशी मुद्राओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु हेरा बना था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और इसके बाद इसका स्थान इसको समाप्त करके इसके स्थान पर फेम्मा लागू किया गया, FEMA एक्ट फेम्मा। ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया 1 जून 2000 से,
एक जून 2000 से ये लागू है। इसका क्या था, इसमें ये अंतर्गत फेम्मा के में विदेशी मुद्रा संबंधी प्रावधानों को उदार बनाया गया। पहले क्या था, कठोर था, फेरा में क्या था, विदेशी मुद्रा संबंधी प्रावधानों को उदार बनाया गया फेम्मा में, और पहले कठोर था ताकि विदेशी व्यापार एवं भुगतानों को सुगम बनाते हुए, क्योंकि 1991 में एलपीजी लागू किया गया था, एलपीजी लागू करने के कारण उदारीकरण के तहत फेरा के स्थान पर फेम्मा लाया गया, तो भुगतानों को सुगम बनाते हुए देश में विदेशी मुद्रा बाजार को सुव्यवस्थित करने हेतु फेम्मा लाया गया। तो आज हमने अध्ययन किया नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत है, नई औद्योगिक नीति और एमआरटीपी एक्ट, फेरा एंड फेम्मा आपने अच्छी तरह सुना, मैं समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।